नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 10 ठेस का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें फर्स्ट वन है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो इसमें दिया क्या है कि सिरचन को आने वाले काम, तो कौन कौन से काम थे जो सिरचन को आते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उत्तर, मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना, ये आता था सिरचन को। और क्या आता था, तो बांस की तीलियों की झिल गिलाती चिक बनाना, चिक बनाना भी उसको आता था, है ना। चिक एक तरीके का बांस का पर्दे जैसा होता है। फिर सतरंगे डोर के मोड़े बनाना, वो भी उसको आता था। और भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना। ठीक है, अगला यहाँ पे कृति पूर्ण कीजिए। इसमें है सिरचन का मेहनताना क्या होता था, पेट भर खाना और एकाध पुराना और धुराना कपड़ा। ठीक है, उसका मेहनताना क्या होता था, जैसे मेहनताने में सब लोग अभी क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन जो सिरचन था उसका मेहनताना क्या होता था, तो पेट भर खाना और एकाध कोई पुराना कपड़ा। ठीक है, मानू को उपहार में मिला क्या क्या मिला, तो शीतल पाटी और चीक और कुश की एक जोड़ी आसन। सिरचन को लोग कहते थे क्या कहते थे, मुफ्तखोर और कामचोर कहते थे। वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए हैं ना, इनका उचित क्रम लगाना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले तीसरा वाला वाक्य आएगा कि लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेकार समझते थे। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं, सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है आएगा यहाँ पे, हे लिखा है ना, सो प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लेना, ऐसे हैं। ओके, समझ गए ना, इतना तो आपको आता होगा कि हैं कैसे लिखाता है कैसे लिखाता है, हे क्या होता है ना, तो बस आप सही कर लेना। चलो नेक्स्ट, अभी इसके आ गया अभिव्यक्ति। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। तो चलो बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो या फिर आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो क्या दिया इसमें है, देखो, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है, ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कथाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठ कला, धातु कला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता था, जिसे मुख्यतः हाथ से या साधारण औजारों की सहायता से किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकतावाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनता व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका स्वाध्याय है ना, वो कंप्लीट हुआ। देखो स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। अभी इसके आगे क्या आता है, भाषा बिंदु। देखो मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे सबके उत्तर देख लिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अभी इसके आगे आता है भाषा बिंदु और फिर है उपयोजित लेखन। ठीक है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, समझ में आया ना। अगले वीडियो में हम लोग भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन देखेंगे इसी पाठ का। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।